तो इस वीडियो का श्रेय जाता है अपुन के 40 व्यूअर्स में से एक को, जो इस चैनल का सब्सक्राइबर भी है, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई वेनम 2 का ट्रेलर आ गया है, तूने अभी तक देखा नहीं क्या? तो मैंने सोचा यार चलो यार एक और वीडियो बनाने का मुझे मौका मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा वेनम 2 ट्रेलर मूवी के बारे में। शायद मैंने सही बोला होगा, वेनम 2 इसका असली नाम नहीं है, इसका नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। इतना लंबा नाम लेने से बेटर है मैं इसको वेनम 2 ही पुकार लूं। अगर आप लोगों को वेनम के बारे में नहीं पता है तो सच कहूं यार आपका जीना व्यर्थ है। मजाक कर रहा हूं, मैं बता देता हूं, स्पाइडरमैन की जो मूवी आई थी, ओल्ड स्पाइडरमैन की मूवी, उसकी थर्ड मूवी में वैनम आपको देखने को मिला होगा, अगर आपने वो देखी होगी। अगर वो भी नहीं देखी है तो उसको स्पाइडरमैन की कॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है उसके अंदर भी ये वैनम देखने को मिला था, या स्पाइडरमैन का एनिमेटेड सीरीज आया करती थी उसमें भी वैनम देखने को मिला था। अगर ये सब भी नहीं जानते हो तो वैनम की खुद की 2018 में मूवी आ चुकी है, तो वहां से वैनम के बारे में पता चलेगा। एक्चुअल में ये उसी का सीक्वल है जो 2018 में वैनम आई थी। एक्चुअल में उसके अंदर दिखाया, बेसिकली यही दिखाया गया है कि एडी वैनम कैसे बना, उसने वेनम के ऊपर कैसे कंट्रोल पाया और फिर वो कैसे अच्छाई के रास्ते पे चल पड़ा। यार अच्छा खासा विलन था यार वेनम, उसको भी मतलब हीरो बना दिया यार। सीरियसली वो मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगी थी, इतना अच्छा वेनम का करेक्टर था, लेकिन उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे इसके मेकर। चलो वेनम 2 के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे देखने को मिलता है कि भैया एडी अपने वेनम के साथ ही जी रहा है, जैसे तैसे उसके अंदर स्टार्टिंग में कॉमेडी के थ्रू उसको दिखाया गया, बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, यानी मैंने एंजॉय किया इस ट्रेलर को। फिर उसके बाद एक नया क्रिएट जो वेनम की तरह का दिखता है वो भी हमारे सामने आता है, वो कैसे आया, किसने उसे बनाया, ये तो देखो जब मूवी आएगी तभी बात करेंगे इसके बारे में। और सच कहूं ट्रेलर देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि भैया एक जो वेनम पुराने टाइम में शैतान हुआ करता था, पास्ट की बात होगी, बेचारा मतलब हीरो बना दिया उसको, तो उसके बदले में एक और उसके तरीके का वेनम आ रहा है। देखते हैं कि इनकी लड़ाई कैसे होगी। सच्ची में मैं एक्साइटेड हूं इस चीज को लेकर। और वीएफएक्स की बात करूं, देखो 2018 में जो मूवी आई थी उसमें बहुत बढ़िया वीएफएक्स थे, और इसके अंदर भी जैसे ट्रेलर में देखने को मिला वीएफएक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब इसके अंदर कहीं पर भी आपको 19-20 ऐसा नहीं होगा, बहुत बढ़िया लेवल के वीएफएक्स पहले भी देखने को मिले थे, इसमें भी देखने को मिलेंगे। बट एक डर सा लग रहा है कि यार जैसे 2018 में मूवी आई थी, मैंने कहा ना बहुत बढ़िया पोटेंशियल है इस वेनम के कैरेक्टर के अंदर, ये जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया कहानी बनाई जा सकती है वेनम के कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन जो 2018 की मूवी थी यार, सच में वो आप वन टाइम वॉच कंसिडर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। बावजूद इसके कि भी इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बाद मेकर्स इसका सही से यूज नहीं कर पा रहे, एंड आई होप सो एंड मे बी ये जो मूवी आ रही है, सेकंड मूवी जो आ रही है वेनम 2 की, वो बहुत अच्छी जाए, क्योंकि देखने में तो काफी अच्छा लगा। और जैसे मैंने कहा कि मैंने इंजॉय किया इस ट्रेलर को, एक स्माइल आ गई थी जब इस ट्रेलर को देख रहा था, कॉमेडी थी, हॉरर था, थोड़ा बहुत ऐसा लगा उसको देखकर क्रिएटर को, या मतलब क्रिएचर को। अगर आप लोगों ने वेनम 1 देख रखी जो 2018 में आई थी और आपने ये ट्रेलर देखा, तो आपको कैसा लगता है कि भाई कैसी ये मूवी होने वाली है, या फिर आपकी सोच क्या है कि वेनम बेचारे को जॉब से निकाल दिया, मतलब कि उसको हीरो की कैटेगरी में डाल। बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, सच्ची में मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। वेनम अच्छा लग रहा था यार, वो विलन के किरदार में बहुत अच्छा लग रहा, मतलब उसके दांत देखे यार, इतनी चमक उसके दांतों में, बट पता नहीं मेकर्स को क्या मतलब सूझी यार वेनम को। मतलब जहर छोड़ो, आप अपने थॉट बताना कि आपको क्या लगता है कि वेनम 2 की स्टोरी क्या होने वाली है। बेशक आप लोग स्पॉइलर कर सकते हो, मैं पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर देखो यार, वेनम 1 देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।